सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। और आज का वीडियो एक रैंकिंग वीडियो होने वाला है, जो कि अगेन मेरे हिसाब से अब तक का सबसे इंटरेस्टिंग रैंकिंग वीडियो है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कैरेक्टर्स की जिन्हें इंस्पायर किया गया था एनिमल से। तो देखो, जब सुपर हीरो जॉनरा की शुरुआत हुई थी और कॉमिक्स में नए नए कैरेक्टर्स को क्रिएट किया जा रहा था, तब इन कैरेक्टर्स का इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं से लिया गया था, जैसे कि थॉर या फिर वंडर वुमन जैसे कैरेक्टर्स को माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया। वहीं कुछ कैरेक्टर्स ऐसे थे जिन्हें किसी ना किसी एनिमल से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया, और आज ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जब स्टैनली ने सोचा होगा कि वो एक स्पाइडर से इंस्पायर होकर एक कैरेक्टर को बनाएंगे, तब काफी लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया होगा। पर आज स्पाइडरमैन दुनिया के सबसे पॉपुलर कैरेक्टर्स में से एक है, और ऐसे कहीं सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मैं आज ऐसे टॉप 10 कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताऊंगा कि इनका इंस्पिरेशन कौन से एनिमल से लिया गया था, और इसी एनिमल से कौन कौन सी चीजें उनकी अडॉप्ट की गई है। इवन काफी सारे सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम तक उस एनिमल से सिमिलर है। तो ऐसे कहीं डिटेल्स के बारे में आज हम जानने वाले हैं, और जानेंगे कि ऐसा कौन सा सुपर हीरो है एनिमल बेस्ड जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, फैल्कन। तो एज सजेस्टेड बाय नेम, फैल्कन इंस्पायर्ड है फैल्कन से, जो कि हॉक एंड ईगल के बीच की एक बर्ड स्पीशीज है, यानी कि गरुड़ और बास के बीच का एक पक्षी। और इनिशियली कॉमिक्स में तो फैल्कन के जो विंग्स थे उन्हें भी ऑर्गेनिक रखा गया था, यानी कि जैसे पक्षियों के पंख होते हैं बिल्कुल रियल फेदर्स, फैल्कन के भी ऐसे ही विंग्स थी। पर जैसे धीरे धीरे कॉमिक बुक्स मॉडर्न होती गई और मूवी में फैल्कन का अडेप्टेशन जो हमें देखने को मिला, वहां पे फैल्कन के विंग्स मैकेनिकल है। और साथ ही में एक और इंटरेस्टिंग डिटेल कि कॉमिक्स में पहले फैल्कन के पास एक पक्षी होता है जिसका नाम रेड विंग होता है, जिसके साथ फैल्कन का टेलीपैथिक कनेक्शन होता है, और जो कि फैल्कन की आंखें बन के ऊपर से देख सकता है और भी कई सारी चीजें करके फैल्कन की हेल्प कर सकता है। तो बिल्कुल ऐसा ही एक ड्रोन हमें एमसीयू में देखने को मिला, जिसका नाम भी रेड विंग है, जिससे फैल्कन दूर दूर तक देख सकता है और यहाँ तक कि मिसाइल्स तक लॉन्च कर सकता है। तो डिटेल बहुत इंटरेस्टिंग थी, मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं। और इसी थीम पे से हॉकाई को भी उसका नाम मिला है, हॉक यानी कि बाज, और जैसे कि हिंदी में भी कहा जाता है ना कि बाज की नजर बहुत तेज होती है, तो इसी तरह हॉकाई को नाम मिला हॉक आई, यानी कि उसकी जो आई साइट है वो हॉक जितनी शार्प है। और क्योंकि हॉकाई बो एंड एरो का यूज करता है, तो उसे शार्प आई साइट की जरूरत भी है। और इसका अडेप्टेशन हमें एवेंजर्स मूवी में भी देखने को मिला था, जहां पे हॉकाई निक फ्यूरी से कहता है कि उसे दूर से नजर रखने में आसानी होती है, और बास के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है कि वो दूर से और अच्छे से देख पाता है। तो ये चीजें भी काफी हद तक इंस्पायर्ड है बास से। नंबर 9, किंग शार्क। तो वैसे फ्लैश की सीरीज से भी किंग शार्क का कैरेक्टर पॉपुलर था, पर जब से सुसाइड स्क्वाड का सीक्वल आया है, तब से किंग शार्क और उसका नम नम कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो चुका है। और फ्लैश की सीरीज में इस कैरेक्टर के ओरिजिन को चेंज कर दिया गया था, वहां पे ऐसा दिखाया गया था कि किंग शार्क एक एक्सपेरिमेंट का नतीजा है, पर जैसे कि कॉमिक्स में उसका ओरिजिन डिफरेंट है, जो कि सुसाइड स्क्वाड के सीक्वल में भी बोला गया था कि किंग शार्क एक एंशियंट शार्क गॉड और ह्यूमन का बेटा होता है, और इसी वजह से वो आधा ह्यूमन है और आधा शार्क है। उसमें ह्यूमन वाली फीलिंग्स है, पर साथ ही साथ उसमें शार्क वाली हंगर भी है। और अगर आप गिनती करोगे पूरे वर्ल्ड के सबसे टेरिफाइंग क्रीचर्स की, तो शार्क उनमें से एक है। और मैंने खुद ने भी कभी नहीं सोचा था कि शार्क को लेकर एक विलन को बनाया गया था, फिर वो धीरे धीरे एंटी हीरो बना, सुसाइड स्क्वाड की टीम का मेंबर बन गया। और अब जिस तरीके से सुसाइड स्क्वाड के सीक्वल में इस कैरेक्टर को इनोसेंटली हमें दिखाया गया, एक ऐसा कैरेक्टर जो कि इंस्पायर्ड था शार्क से, उसे इतनी क्यूट तरीके से दिखाना कि वो काफी सारे लोगों का फेवरेट बन जाए, ये सच में जेम्स गन ही कर सकते हैं। नंबर 8, रॉकेट रकून। तो एक और ऐसा ही कैरेक्टर जिसमें जेम्स गन ने जान डाल दी, वो है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की फ्रेंचाइज से रॉकेट रकून का कैरेक्टर। रॉकेट इंस्पायर्ड है रकून नाम के एनिमल से, जो कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। और एक मेजर डिटेल की रकून का जो एनिमल है वो पेड़ों पर रहना पसंद करता है, वो पेड़ों पर चढ़ने में एक्सपर्ट होता है, और इसी चीज को अडेप्ट किया गया। और जब से कॉमिक्स में भी रॉकेट के कैरेक्टर को क्रिएट किया गया है, उसे हमेशा ग्रूट के साथ रखा जाता है, जो कि एक चलता फिरता पेड़ है। और एमसीयू में भी आपने ऐसे एक्शन सीन्स देखे होंगे जहां पे रॉकेट ग्रूट के ऊपर चढ़ जाता है और फिर अपनी गन्स का यूज करता है। तो ये सारी चीजें रकून के नेचुरल स्टाइल से ही इंस्पायर्ड है। और कुछ ऐसे एक्शन सीक्वेंस हमने तब भी देखे थे जब योंडो और बाकी रेवेजर्स रॉकेट को पकड़ने आते हैं, तब भी रॉकेट अपने इसी पेड़ पर चढ़ने वाली टेक्टिक का यूज करता है। इन सारी चीजों के बावजूद जब रॉकेट को रकून कहा जाता है या फिर लोग उसे चिढ़ाते हैं, बोलने वाला जानवर कहते हैं, तब वो जिस तरीके से चिढ़ता है वो देखने में बहुत मजा आता है। और कुछ ऐसे ही हमें एंड गेम में भी देखने को मिला था। नंबर 7, फीनिक्स एंड रेवन। तो ये दोनों कैरेक्टर है जो कि नंबर 7 पे है, वो अपने अपने यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, और इसलिए इन दोनों कैरेक्टर को नाम भी बिल्कुल यूनिक वे में मिला था।
पहले मैं बात करता हूँ रेवन की, तो रेवन यानी कि कौवा होता है, और वेस्टर्न कल्चर में पहले ऐसा माना जाता था कि जो कौवे है वो डार्क मैजिक को कैरी करते हैं, तो इसलिए रेवन को अपना ये नाम मिला। और मैं बात करूँ फीनिक्स की, तो फीनिक्स एक माइथोलॉजिकल बर्ड है जिसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि वो कभी नहीं मरती, वो मरने के बाद वापस जिंदा हो जाती है। स्टोरी में कुछ ऐसा कहा जाता है कि जब फीनिक्स का बर्ड मरता है तो वो तुरंत ही जलने लगता है और उसकी जो राख एंड में रह जाती है उसी से वापस उस बर्ड का जन्म होता है। और जीन ग्रे को ये नाम इसलिए मिला क्योंकि वो फीनिक्स नाम की एंटिटी को कैरी करती है, जिसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जब उसका एक होस्ट मरता है तो वो अपने आप को दूसरे होस्ट में ट्रांसफर कर देती है, यानी कि फीनिक्स की एंटिटी कभी नहीं मर सकती, और इसलिए जीन ग्रे को ये फीनिक्स नाम मिला है। और सिर्फ फीनिक्स ही नहीं, एक्समैन की फ्रेंचाइज के से और भी कैरेक्टर है जिनके नाम और थीम को इंस्पायर किया गया है किसी न किसी माइथोलॉजिकल क्रिएचर या फिर एनिमल से, जैसे कि साइक्लॉप्स इंस्पायर्ड है ग्रीक माइथोलॉजी के साइक्लॉप्स नाम के मॉन्स्टर्स से जिनके सिर्फ एक ही आंख होती है, और जिस तरीके से साइक्लॉप्स अपने ऑप्टिक ग्लासेस पहनता है ऐसा ही लगता है कि उसकी सिर्फ एक आंख है। फिर नाइट क्रावलर इंस्पायर्ड है डेविल से, जो कि वेस्टर्न कल्चर का डीमन कहा जाता है, और एंजल इंस्पायर्ड है एंजल्स यानी कि परियों से। तो ऐसे कई कैरेक्टर है जो कि सिमिलर वे में क्रिएट हुए थे। नंबर 6, ब्लू बीटल। तो ब्लू बीटल डीसी का कैरेक्टर है, और हाँ फिलहाल तो ये कैरेक्टर इतना पॉपुलर नहीं है, पर ब्लू बीटल को लेकर एक सोलो मूवी बन रही है और ये कैरेक्टर काफी कूल है, तो मैंने सोचा मैं इसे भी रैंकिंग में ले लेता हूँ। ब्लू बीटल की स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि एक टीनेज लड़के से आके एक एलियन टेक अटैच हो जाता है, उससे जुड़ जाता है, जो कि एक आर्मर होता है। उसका लुक कहीं ना कहीं बीटल जैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, तो उसका नाम ब्लू बीटल रखा जाता है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि कैरेक्टर काफी कूल है, इसकी मूवी देख के आपको कुछ ऐसी वाइब्स मिलेगी जैसे आप प्रेडेटर मूवी देख रहे हैं, जहाँ पे हमें कूल एलियन टेक दिखाया जाता है इंसेक्ट की थीम के ऊपर। तो शायद आई डोंट नो किस तरीके से मूवी में इस कैरेक्टर को दिखाया जाए, पर कॉमिक्स में भी ये कैरेक्टर मेरे वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है। नंबर 5, एंटमैन। तो नंबर 5 पे हम ऐसे कैरेक्टर के ऊपर आ चुके हैं, या फिर मैं कहूंगा ऐसे कैरेक्टर्स के ऊपर आ चुके हैं जो कि उनके रियल वर्जन से काफी रिसेंबल करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एंटमैन एंड द वास्प की। एंटमैन को इंस्पायर किया गया था उसके नाम से ही साफ है कि एंट से, और कॉमिक में तो जो उसका आइकॉनिक हेलमेट है जिसके ऊपर एंटीनास तक लगा है वो बिल्कुल एक एंट की तरह है। और अगर आपको नहीं पता कि वास्प क्या होती है, तो वास्प एक ऐसा जंतु है जो कि मधुमक्खी और चींटी के बीच का है, यानी कि वो ना एक एंट है ना एक बी है, वो उसके बीच का एक इंसेक्ट है, और इससे इंस्पायर होकर वास्प को बनाया गया था। और इन कैरेक्टर्स को लेकर मूवी में भी इतने अच्छे से ध्यान रखा गया है कि जो वास्प होती है वो रियल में उड़ पाती है, उनका कलर येलो होता है, तो वास्प के सूट को येलो रखा गया है, उसे विंग्स दिए गए, और एंट सूट नहीं पाती तो स्कॉट को विंग्स नहीं मिले। इस चीज को लेकर मूवी में मजाक भी उड़ाया गया था, पर मुझे एंटमैन की सीरियसली थीम बहुत ऑसम लगती है कि वो इतना छोटा हो जाता है कि वो एंट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, उसके पास ऐसा डिवाइसेस है, उसने एंट्स को पेट किया है, और जरूरत पड़ने पे एंट स्क्वाड की हेल्प भी करती है। नंबर 4, ब्लैक पैंथर। तो नंबर 4 पे जिस कैरेक्टर की हम बात करने वाले हैं वो भी काफी पॉपुलर है, मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक पैंथर की। ब्लैक पैंथर इंस्पायर्ड है पैंथर यानी कि तेंदुए से, और आई गेस तेंदुए के बारे में तो आप जानते ही होंगे, पर यहाँ पे तेंदुओं की भी कुछ स्पेशल वैरायटी होती है जिसमें कुछ डेफिशिएंसी की वजह से उनका कलर ब्लैक हो जाता है, वो पूरे ही ब्लैक होते हैं, और इन्हें ब्लैक पैंथर कहा जाता है, और ये ब्लैक पैंथर काफी रेयर होते हैं, और यही चीज ब्लैक पैंथर के कैरेक्टर को भी यूनिक बनाती है। और हाँ, मूवीज में ब्लैक पैंथर के कैरेक्टर का भी काफी एडवांसमेंट हुआ है। कॉमिक्स में उसका कॉस्ट्यूम काफी नॉर्मल था, पर उसे मूवी में हाईटेक बनाया गया, जो कि एक ही नेकलेस में से पूरा फॉर्म हो जाता है। वाइब्रेनियम का यूज करके उसके क्लॉज को शार्प किया गया जो कि रियल पैंथर की तरह है। और हाँ, जो पैंथर्स होते हैं वो 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड से दौड़ सकते हैं, जो कि काफी है। और इसी चीज को रेप्लिकेट करने के लिए ब्लैक पैंथर को हार्ट शेप हब दिया गया, जो कि उसकी फिजिकल एबिलिटीज जैसे कि दौड़ने की स्पीड को बढ़ा देता है। तो इस कैरेक्टर का डेवलपमेंट काफी अच्छे से हुआ है। प्लस जिस तरीके से एक कैरेक्टर अफ्रीका के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, और जिस तरीके से इस कैरेक्टर को दिखाया जाता है कि वो एक हिडन किंगडम का रूलर है, वो देखने में बहुत मजा आता है। मेरा पर्सनल फेवरेट सीन वो था जहाँ पे ब्लैक पैंथर उस रिल्म में जाता है जहाँ पे उसके एंसेस्टर्स सारे पैंथर बन के रह रहे होते हैं, और जब हमें वो पेड़ दिखाया जाता है जिसपे सारे ब्लैक पैंथर्स बैठे हैं, वो सीन मुझे बहुत पसंद है। नंबर 3, वुल्वरीन। तो आई नो कि वुल्वरीन के बारे में काफी सारे लोगों को ऐसी गलतफहमी होगी कि वुल्वरीन इंस्पायर्ड है वुल्फ से, पर ऐसा नहीं है। वुल्वरीन खुद वुल्वरीन नाम के एनिमल से इंस्पायर्ड है, जो कि ज्यादातर हमें नॉर्थ अमेरिका यानी कि कनाडा और अलास्का के कुछ पार्ट्स में देखने को मिलता है। और हाँ, इस कैरेक्टर और इस एनिमल के बीच में भी काफी सिमिलैरिटीज रखी गई है, जैसे कि वुल्वरीन हमें ज्यादातर अलास्का और कनाडा में देखने को मिलता है यानी कि वुल्वरीन का एनिमल। तो वुल्वरीन के कैरेक्टर यानी कि जेम्स हाउलेट को भी एक कैनेडियन सिटीजन कहा गया है। वुल्वरीन के एनिमल का नेचर एग्रेसिव होता है, तो वुल्वरीन का नेचर भी एग्रेसिव है।
और जो वुल्वरिन एनिमल है उसके फ्रंट के जो क्लॉज होते हैं यानी कि उसके आगे के हाथों के नाखून वो काफी स्ट्रांग और बड़े होते हैं, उसी की हेल्प से वो पेड़ वगैरह पे चढ़ता है। तो इसी चीज को अडेप्ट करके वुल्वरिन को भी उसके एडमेंटियम के क्लॉज दिए गए थे। और एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट कि नॉट ओनली वुल्वरिन बल्कि वुल्वरिन का जो ब्रदर है सेबर टूथ वो भी इंस्पायर्ड है एक एनिमल से जो कि आइस एज के टाइम की एक बिग कैट थी जिसका नाम सेबर टूथ था, जो कि अब तो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, पर इसी सेबर टूथ से इवॉल्व होके आगे जाके लायन और टाइगर जैसी दूसरी कैट स्पीशीज बनी है। नंबर टू, बैटमैन। तो नंबर टू पे है बैटमैन जो कि इंस्पायर्ड है बैट से, और ये वाला पार्ट मेरा फेवरेट है क्योंकि बैटमैन ऐसा कैरेक्टर है जिसका नॉर्मन क्लेचर काफी लॉजिकली किया गया था। ब्रूस वेन जब एक छोटा बच्चा था तब वो खेलते खेलते अपने घर के पीछे एक कुएं में गिर गया जो कि खाली था और वहां पे काफी सारे बैट्स रहते थे। वो बैट्स उसके ऊपर से उड़ने लगे, उससे टकराने लगे और इस इंसिडेंट से वो इतना ज्यादा डर गया कि उसे बुखार चढ़ गया। तब से उसे बैट से काफी डर लगता था। पर जब वो थोड़ा बड़ा हुआ और उसने उस इवेंट को फेस किया जहाँ पे उसके मदर फादर को उसकी आंखों के सामने ही मार दिया गया, कुछ क्रिमिनल्स ने उसके मदर फादर दोनों को शूट कर दिया, और तब उसने इस चीज को समझा कि अब उसे अपने डर को फेस करना होगा। उसने कहीं सालों तक अपने आप को ट्रेन किया, अपने लिए हाईटेक वेपन्स को डिजाइन करवाया और आखिरकार वो वापस उसी वेल में उतरा जहाँ पे बचपन में वो डर गया था। उसने अपने उस डर को वापस फेस किया, उसने वहीं पे अपना बेस बनाया यानी कि बैट केव, और अपना नाम रख लिया बैटमैन। बैटमैन का नाम काफी लॉजिकल इसलिए है क्योंकि ये आपको सिंबलाइज करता है कि आपको अपने डर को फेस करना होगा। और फिर तो इसी नाम के साथ ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन गॉथम के क्रिमिनल्स के अंदर डर का दूसरा नाम बन गया। सिर्फ बैटमैन ही नहीं बल्कि बैटमैन के यूनिवर्स के और कहीं सारे कैरेक्टर इसी एनिमल थीम पे बने हुए हैं, जैसे कि कैट वुमन जो कि कैट से इंस्पायर्ड है, पेंगुइन नाम का विलन जो कि पेंगुइन से इंस्पायर्ड है, और यहाँ तक कि बैटमैन का साइकिक रॉबिन भी रॉबिन नाम के एक बर्ड से इंस्पायर्ड है। और बैटमैन की जो रात में मिशन पे निकलने की आदत है वो भी बैट से ही अडेप्ट की गई है। बल्कि किसी ने सोचा था कि बैट जैसा कितना घिनौना जीव जैसे देख के मुझे तो घिन ही आती है, उससे इतना कूल कैरेक्टर बन सकता है जो कि मेरा फेवरेट है। नंबर वन, स्पाइडरमैन। तो ये चीज कितनी ज्यादा क्रेजी है ना कि जो कैरेक्टर जितने वियर्ड एनिमल से इंस्पायर्ड होता है वो उतना ही पॉपुलर होता जाता है, क्योंकि स्पाइडर एक ऐसा इंसेक्ट, एक ऐसा क्रीचर जिसे ज्यादातर लोग डरते हैं, बच्चे तो इससे खास डरते हैं। इसी से इंस्पायर होकर जिस कैरेक्टर को बनाया गया यानी कि स्पाइडरमैन को, वो बच्चों का सबसे ज्यादा फेवरेट है। और एक फन फैक्ट, जब स्टैनली ने सोचा था कि वो एक इंसेक्ट को लेकर सुपर हीरो बनाएंगे, पहली बात तो उनके आइडिया को क्रैक किया ही गया, पर इनिशियली स्टैनली ने ये सोचा था कि वो ग्रास हॉपर को लेकर सुपर हीरो बनाएंगे यानी कि शायद हिंदी में उसे टिड्डी कहते हैं। तो आप सोच के देखो कि अगर स्पाइडरमैन की जगह ग्रास हॉपर मैन होता तो कैसा होता। आई एम श्योर कि वो स्पाइडरमैन जितना पॉपुलर तो नहीं होता, पर फिर स्टैनली ने बनाया अब तक के सुपर हीरो जॉनरा, अब तक के सुपर हीरो एरा का सबसे ज्यादा फैन फेवरेट और पॉपुलर कैरेक्टर यानी कि स्पाइडरमैन। और स्पाइडरमैन की कहीं सारी बातें बिल्कुल स्पाइडर जैसी है, जैसे कि उसका दीवारों पे चलना, उसका वेब्स बनाना, और यही चीजें स्पाइडरमैन की फाइटिंग स्टाइल को और उसके एक्शन को बिल्कुल यूनिक बनाती है। अब ऐसे कुछ कुछ चीजें डिफरेंट भी है, जैसे कि स्पाइडर्स अपने वेब्स उसकी पूंछ में से निकालते हैं और स्पाइडरमैन अपने वेब शूटर्स में से निकालता है, तो हाँ चीजें डिफरेंट भी है। और वैसे इस चीज को सेम रखा भी नहीं जा सकता था वरना स्पाइडरमैन की मूवीज भी आर रेटेड हो जाती। एंड नॉट ओनली आवर फेवरेट हीरो स्पाइडरमैन, पर स्पाइडरमैन के कहीं सारे विलन्स एनिमल से इंस्पायर्ड है। अगर मैं नाम गिनाने लगूंगा तो शायद उसका अलग दूसरा टॉप 10 बन सकता है, जैसे कि राइनो या फिर स्पाइडरमैन होमकमिंग पहली ही मूवी का विलन वल्चर जो कि वल्चर से इंस्पायर्ड था, स्कॉर्पियन, डॉक्टर ऑक्टोपस, मॉर्बियस, ऐसे कहीं सारे स्पाइडरमैन विलन्स भी एनिमल से ही इंस्पायर्ड है। तो आज के वीडियो को तो यहीं पे रैप अप करते हैं, वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। पर ऑन अ सीरियस नोट, जिन क्रिएटर्स ने इन कैरेक्टर्स को क्रिएट किया था उनकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है, एस्पेशली स्टेनली की। और आज तो ये कैरेक्टर इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि अगर आप फैल्कन, वुल्वरिन या फिर ब्लैक पैंथर सर्च करोगे तो एनिमल्स की जगह पे पहले इन कैरेक्टर्स का नाम आएगा, जो कि सच में एक अचीवमेंट ही कही जा सकती है। वैसे आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए, आपको कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा। That is it for today guys. अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर यहाँ पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।